हेलो क्लास, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस क्लास में। जो कि बच्चों दसवीं क्लास में हम लोग चल रहे हैं, विज्ञान शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, तेरहवा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तेरहवें के जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों जो 13th चैप्टर है आपका वो क्या था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें आप तीसरे टॉपिक में आ चुके हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। ठीक है, मतलब फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपके टॉपिक का नाम। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए बच्चों इस अध्याय में जो आप पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, वही आपकी टॉपिक है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। ठीक है, देखिएगा क्या लिख रहे हैं हम लोग, देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख रहे हैं। क्या सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चों चुंबक अलग अलग आकृति का अलग अलग आकृति का पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है भाई, कौन कौन से आकृति का पाया जा सकता है। सबसे पहला बच्चों छड़ चुंबक, कौन सा वाला, छड़ चुंबक। ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों इंग्लिश में बार मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट इस आकृति का दिखेगा बच्चों आपको। ठीक है, इस तरह से साउथ और नॉर्थ, ये आपके पास छड़ चुंबक होता है बच्चों, इस तरह से आकृति का। बच्चों एक होती है क्या, नाल चुंबक। ओके, नाल चुंबक। ठीक है बच्चों, नाल चुंबक जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है बच्चों, हॉर्स शू मैग्नेट, इसको यू आकार का मैग्नेट भी कहते हैं बच्चों, यू आकार का मैग्नेट। ठीक है, यू आकार का चुंबक, इसको ये भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, किस तरह से दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको दिखेगा, समझ गए, इस तरीके से दिखेगा आपको, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। ठीक है, इस आकार का दिखेगा, समझ गए ना। तीसरा बच्चों आपको चुंबकीय सुई, ये भी चुंबकीय होता है, चुंबकीय सुई। ठीक है, चुंबकीय सुई। ओके, ये अभी बच्चों आपको इसी आकृति का, ठीक है ना, ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे। ओके बच्चों, इस आकृति का, ठीक है ना, ये। ठीक है, इस तरह से साउथ और नॉर्थ, है ना, तो इस तरीके से बच्चों। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से चुंबकीय सुई आपको दिखेगा, साउथ वाला नॉर्थ वाला, है ना। उसके बाद बच्चों आपको चुंबकीय कंपास भी, चुंबकीय कंपास, ठीक है ना, ये भी भाई चुंबक का ही एक, है ना, आकार है, प्रकृति है। ठीक है, अलग अलग आकृति है चुंबकीय कंपास भाई, इस तरह से घड़ी के डायल में, ठीक है ना, इस तरह से बच्चों चुंबकीय सुई बने होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से मूव करते हैं, समझ गए ना,
इस तरीके से ये है ना, इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरह से ये चुंबकीय सुई में इस तरह से जो है ना आपका क्रम बनाया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी चुंबकीय कंपास की तरह, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे के तरफ। तो इस तरीके से आपको जो है बच्चों ये मैग्नेटिक नीडल कहते हैं इसको, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल कहते हैं भाई, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास कहते हैं भाई, मैग्नेटिक कंपास ही कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके अलग अलग चुंबक की आकृति पाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी जो हम लोग बच्चों प्रयोग करने वाले इस टॉपिक में, क्यों नाम लिया इसका मैं, क्योंकि हम लोग बच्चों इस प्रकार के चुंबक का प्रयोग करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो इसलिए फटाफट आप लिख लीजिए, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट आप बना लीजिए, इसको भी नोट्स में डाल दीजिए। चलिए अब बच्चों हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पहुंचेंगे। तो चलो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलो आगे देखो, देखिए भाई क्या बच्चों कहा गया था, क्या आंद्रे आंद्रे मैरी एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, ने यह प्रतिपादित किया कि, यह प्रतिपादित किया कि, ठीक है ना, या फिर भाई यह अभिकल्पना ने, ठीक है, यह प्रतिपादित किया या फिर अभिकल्पना की, यदि यदि धारावाही, यदि धारावाही चालक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, तब यह अपने क्षेत्र में, तब यह अपने क्षेत्र में रखे चुंबक पर बल लगाता है, ठीक है ना, बल लगाता है, तब ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर भी ठीक है, समान एवं विपरीत ठीक है, विपरीत दिशा में बल, ठीक है, बल कार्यरत होता है। ऐसी बात किसने कहा था भाई, आंद्रे मैरी एम्पियर साहब ने कहा था, ठीक है। ये भाई किसने कहा था भाई साहब, आंद्रे मैरी एम्पियर साहब ने कहा था, ठीक है, उनने यही कहा था कि अगर जिस तरीके से अगर कोई आप धारावाही चालक रखते हो तो उसके वातावरण में बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, फिर अगर आप उस क्षेत्र में कोई चुंबक लेके आते हो तो वो बल अनुभव करेगा, ठीक है, क्या अनुभव करेगा बल अनुभव करेगा। तो ठीक उसके विपरीत भी कहा जा सकता है कि यदि कहीं चुंबक रखा हुआ है और उस चुंबक के क्षेत्र में कोई धारावाही चालक है, तो
तो उसी समान एवं विपरीत मात्रा में जितना चालक चुंबक चुंबक पर लगा रहा था भाई, उतना ही अब ये चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से उस चालक पर समान एवं विपरीत दिशा में बल लगाएगा। समझ में आई क्या बात? अब देखो, ठीक है, अब देखो भाई, निम्न निम्न क्षेत्र आरेख, निम्न क्षेत्र आरेख द्वारा द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही, किसी धारावाही चालक, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल को व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए निम्न आरेख कैसे बनाते हैं, देखिएगा भाई साहब, इस तरह से यू आकार का हम लोग चुंबक बनाने वाले हैं। ठीक है, यू आकार का हम लोग चुंबक बनाएंगे भाई, बना दिए, बोलो, बिल्कुल बना दिए भाई, हम लोगों ने एकदम बना दिया। ठीक है, ये भाई नॉर्थ और ये भाई साउथ। ठीक है, इसके बीच में हमने बच्चों एक धारावाही चालक ले आया, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाह कर रहा है, ये धारावाही चालक। ठीक है, एक बच्चों हमने स्टैंड लेके आया, ठीक है, जिस स्टैंड पर हमने, ठीक है, जिस स्टैंड पर हमने ये धरती पे रखा हुआ था। ठीक है, ओके, ये भाई हमारे पास क्या है, एक स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड है हमारे पास। ठीक है, इस स्टैंड में बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक है, वी वोल्ट का हमने बैटरी ले लिया, ठीक है, एक कुंजी ले लिया, और हमने क्या कर दिया भाई साहब, क्या कर दिया कि एक तार को बांध करके हमने इसे जोड़ दिया, और इस तार के एक सिरे को जो है हमने बच्चों वह इससे जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से, ओके, और एक एंड के तार को बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाके जोड़ दिया, ओके, समझ गए ना बच्चों, ये प्लस वाला सिरा है, कुंजी लगा हुआ है आपका, तो धारा यहां से निकलेंगी, यहां से निकलेंगी, यहां से निकलेगी, बोलो हाँ या ना, और फिर बच्चों यहां से निकलेगा, यहां से धारा निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और यहां से निकलेगा, बोलो हाँ या ना, ये आपकी एक चित्र व्यवस्था हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इसको थोड़ा सा रंग पेंट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिखा सकते हो आप, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पेंसिल से जो है इसको कवर कर लेना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एक बढ़िया सा फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये ए सिरा और ये बी सिरा है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा, चुंबक है भाई, ठीक है, चुंबक है जो नॉर्थ से साउथ के बीच में चुंबक से उत्पन्न करेगा। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे पास, ये चालक है हमारा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं है, ये बैटरी आपका कुंजी है भाई, चलो चलो, चित्र नंबर एक है ना, क्या विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही पर रखे रखे चुंबकीय क्षेत्र में बल,
रखे चुंबकीय क्षेत्र में बल, ठीक है, किसी धारावाही चालक पर, है ना, विद्युत धारावाही चालक पर, ठीक है ना, विद्युत धारावाही चालक पर रखे चुंबक के क्षेत्र में बल, ठीक है, इसकी ये ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, इस आरेख में, इस आरेख में, ठीक है, बैटरी बैटरी स्रोत, ठीक है, जो कि भी विभांतर का है, ठीक है, बैटरी स्रोत कुंजी जो कि के है हमारा, ठीक है, एवं एक, ठीक है, धारावाही चालक, एवं एक धारावाही चालक को श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं सबको, किसमें जोड़ दिया हम लोगों ने, श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां धारावाही चालक को, ठीक है, किसी नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, रख देते हैं भाई साहब, रख देते हैं इस स्थिति में, ठीक है, विद्युत धारावाही इस स्थिति में, ठीक है, विद्युत धारावाही में कुंजी को बंद रखकर धारा प्रवाह की जाती है, ठीक है, तब यह ज्ञात होता है कि विद्युत धारावाही चालक, ठीक है, चालक एक निश्चित दिशा में बल अनुभव करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो पूरा थ्योरी, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। देखो इसमें हमने क्या लिखा है भाई, इस आरेख में बैटरी स्रोत लेते हैं, एक कुंजी लेते हैं, धारावाही चालक की श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया हमने। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, इसके आगे ठीक आगे सबको जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, बोलो। उसके बाद यहां धारावाही चालक को किसी नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं भाई, धारावाही चालक को नाल चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे उत्पन्न उसमें हम रख देते हैं, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है कि विद्युत धारावाही में कुंजी को बंद रखकर, भाई विद्युत धारावाही चालक, ठीक है ना भाई, विद्युत धारावाही चालक में, ठीक है, कुंजी को बंद रखकर धारा प्रवाह की जाती है, कर दिया हमने। तब यह ज्ञात होता है कि विद्युत धारावाही चालक एक निश्चित दिशा में बल अनुभव करने लगा है, भाई निश्चित दिशा में इस पर एक बल लगना शुरू हो चुका है। ये बात किसने कहा था भाई, सबसे पहले आंद्रे मैरी एम्पेयर साहब ने कहा था, ठीक है ना, किसने कहा था ये भाई साहब आंद्रे मैरी एम्पेयर साहब ने कहा था, ऐसा बात कहा था कि भाई बल अनुभव करेगा ये, ठीक है ना। हमने कहा ओके, इट्स ओके,
इट्स ओके यो यो, ठीक है ओके, इट्स ओके यो यो, हमने कहा भाई ठीक है समझ गए आंद्रे भाई साहब, हमने कहा चलो अब आगे क्या होगा देख लीजिए जल्दी से फटाफट आप इस नोट्स को लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ मिटाया जाए ऐड किया जाए आगे, देखो चलो भाई देखो अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, देखना 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 भाई साहब देखना तुम देखना क्या हुआ कि भाई एक बल अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है एक यह जो है बल अनुभव करता है ठीक है, जब बैटरी ठीक है जब बैटरी की ध्रुवता या ठीक है चुंबकीय नाल की ध्रुव परिवर्तित की जाती है तब धारावाही चालक पर लगने वाला ठीक है बल भी प्रारंभ के विपरीत हो जाता है ठीक है ओके, प्रारंभ के क्या हो जाता है बच्चों विपरीत, प्रारंभ के विपरीत हो जाता है, जैसे ही परिवर्तित करते हैं हम लोग ध्रुवता बदल दिए, प्लस के बदले माइनस कर दिया, माइनस के बदले प्लस कर दिया, या फिर इसकी ध्रुवता बदल दिया हमने, तो हमने क्या देखा था भाई तब धारावाही चालक पर लगने वाला बल भी क्या हो जाता है प्रारंभ के विपरीत हो जाता है ठीक है ना भाई। जैसे आप इसका ध्रुवता बदलोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी ठीक है, बी का जो है वो दिशा बदल जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर आपने धारा का दिशा बदल दिया तो अब जो है ध्रुवता बदलने पर बच्चों धारा अब इधर से जाना शुरू कर देगा, इधर से ऐसे जाना शुरू कर देगा, बोलो हाँ है ना। तो भाई बल की दिशा भी विपरीत हो जाता है ठीक है ना, तो दैट मीन्स कहे अर्थात चालक पर कार्यरत बल चुंबकीय क्षेत्र एवं धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की ठीक है धारा की दिशा पर निर्भर करती है, धारा की दिशा पर निर्भर करती है ठीक है, धारा की दिशा पर निर्भर करती है, ये लिख लीजिए कोई दिक्कत भाई। तो अर्थात यह पता लगाया गया कि चालक पर जो बच्चों कार्यरत बल होता है, अगर मान लो कि धारा इस दिशा में चल रही थी तो मान लो इस चालक पर बल आगे लग इस दिशा में लग रहा था, फोर्स इस दिशा में लग रहा था, जैसे ही तुमने चुंबक के क्षेत्र की दिशा बिना बदले धारा का दिशा बदल दिए तो तुम्हारा बल इस दिशा में लगने शुरू हो चुके थे
ठीक है ना, बल फिर इस दिशा में लगने के लिए शुरू हो जा रहा था, या फिर बिना धारा का दिशा बदले हम लोग जैसे ही चुंबक क्षेत्र का ध्रुवता बदल दिए, तो बच्चों अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो उसके विपरीत दिशा में लगना शुरू हो जाता था, ऐसा प्रयोग में देखा गया, तब जाके यह बात जो है वह थ्योरी में लिख दी गई। समझ आ गई क्या बात? हाँ चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर आप इतना कस के बोलते हो, कान की झिल्ली मूली बन के बाहर आ जाती है, ठीक है ना भाई? कोई बात नहीं, धीरे बोलूंगा आप, ठीक है ना? वैसे धीरे नहीं बोल सकता मैं, मतलब गला में यहां पे थोड़ा सा फिल्टर जो है वो फूट गया है ना। देखो निर्भर करती है, समझ में आ गई क्या बात? चलो आगे बढ़ो, ये बात समझ में आ गई भाई? आ गई, चलो ठीक है आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। प्रयोग प्रयोग में, ठीक है, प्रयोग में नीचे आरेख से, ठीक है ना, या फिर प्रयोग में, ठीक है, प्रयोग में निम्न आरेख से यह भी ज्ञात होता है कि चालक पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल अधिकतम होता है यदि विद्युत धारा एवं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशा में कार्यरत हो, परस्पर लंबवत दिशा में कार्यरत हो। यह भी पता लगाया गया भाई इस प्रयोग से, निम्न आरेख से, कि जब चालक पर, है ना, कि चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होता है यदि विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत दिशा में कार्यरत होते हैं। यह भी पता लगाया गया भाई, ठीक है, समझ में आई बात? चलो भाई, ये सब सारी थ्योरियां थी, ये सब सारे इस प्रयोग के बाद आ चले थे, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब क्या है, देखो अब देखो भाई क्या है, किसी, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ठीक है, धारावाही चालक पर बल निम्न कारकों पर निर्भर पाया गया, ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर पाया गया। पहला क्या भाई वो देखो, पहला क्या कि चालक पर बल जो है फोर्स समानुपाती होता है, ठीक है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा डैटनेस कहे तो आई के, ठीक है, समझ आई क्या बात? जो एफ थे, ठीक है,
जो बच्चों एफ थे वो हमारे पास समानुपाती था किसके, आई के। कोई दिक्कत? सेकेंड बात क्या थी कि भाई चालक पर बल, ठीक है, जो फोर्स होते हैं वह समानुपाती होते हैं, ठीक है, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बी के, मतलब जो है बच्चों वो फोर्स जो है समानुपाती होता है किसके, बी के, ठीक है। ओके, यह भी पता चला इस प्रयोग से, ठीक है। ओके, तीसरा देखो क्या पाया गया कि चालक पर जो बल होते हैं बच्चों, जो फोर्स होता है वह समानुपाती होता है चालक की लंबाई के, ठीक है ना, चालक की लेंथ के, ठीक है ना, लंबाई के, मतलब कहे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, यह भी ज्ञात हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब चौथा पॉइंट देखो, चालक पर बल, ठीक है, चालक पर बल समानुपाती होता है, फोर्स जो है वो समानुपाती होता है किसके, धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, ठीक है, मध्य कोण की, ठीक है, जया के, ठीक है। अगर मान लो धारा एवं चुंबक क्षेत्र के मध्य कोण थीटा है तो मतलब कहते हो साइन थीटा के, दैट मीन्स बच्चों जो फोर्स था वो समानुपाती था किसके, साइन थीटा के, यह भी पाया गया, ठीक है। अर्थात ठीक है, चारों बिंदुओं को, ठीक है, एकत्रित किया जाए तब क्या प्राप्त होता है भाई, सबका बायां वाला पक्ष बराबर है, देख लो है बराबर, तो इसका मतलब फोर्स समानुपाती है भाई किसके, आई बी एल साइन थीटा के, समझ आई क्या बात इसके। ये देखो किन किन राशि पर निर्भर करता है भाई, धारा पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, बोलो हाँ या ना, और तुम्हारे साइन थीटा पर निर्भर कर रहा है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो। तो बच्चों अब तुम ही बताओ कि थीटा का कौन सा वैल्यू हो कि फोर्स का मान मैक्सिमम होगा, थीटा के कौन से वैल्यू के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये थीटा किसके बीच का कौन दबा है, धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का, समझा, धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो है ना ये कौन है थीटा, लिख चुका हूं, धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कौन थीटा की जया के समानुपाती होता है, समझा क्या बात आ गई क्या, बोलो हाँ, ठीक है भाई। ये इस समीकरण से ज्ञात होता है कि ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ठीक है, धारावाही चालक पर बल थीटा बराबर 90 डिग्री पर अधिकतम होता है, ठीक है। और यह बात मैंने आपको पहले दिखाया भी था, इस समीकरण से यह बात सिद्ध भी हो गया, बोलो हाँ या ना, हो गया इस समीकरण से भाई, यह बात सिद्ध भी हो गई है, देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो,
द बेस्ट वीडियो इज कमिंग सून टू यू, बहुत जल्दी तुम्हारे पास, देख लो ये सारे बेस्ट चीजें पहुंच रही है भाई, बड़ा मेहनत लगा इस सबको इकट्ठा करने में, नहीं समझोगे तुम, नादान हो, बालक हो, नन्हा हो, मुन्ना हो, ठीक है, बिंदु हो, रेखा हो, वृत्त हो, लिख लो, ठीक है ना, मैं बहुत मेहनत लगता है इस सबको इकट्ठा करने में, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बड़ा ये सब मेहनत लगता है इकट्ठा करने में, ठीक है ना, लिख लो फटाफट लिख लो, तुम लोग को एकदम आनंद आ गया होगा, ठीक है ना, आनंद आ गया होगा भाई, घर पे बैठ के रजाई में बैठ के जो है ना इस तरह से लिखने का, बोलो आया ना आया, नहीं आया, पक्का आ चुका होगा, है ना, पक्का आ चुका होगा। और कुछ लोग को बहुत ज्यादा ही सर्दी लग रही होगी, क्यों, क्योंकि वो लोग नहाते नहीं है ना, आज 13 साल हो चुके हैं तुम्हें नहाते हुए, बोलो है ना, बोलो। और कुछ लोग अगर गलती से नहाने भी चले जाएं, गलती से, समझना, सुनना, वह ध्यान सुनना, सुन लो पहले फिर लिखना, कुछ लोग गलती से अगर नहाने भी चले जाते होंगे और नहा भी लेते होंगे तो घर वाले कहते होंगे कि भाई आज इस लड़के को हो क्या गया, आज इतनी सर्दी में ये नहा कैसे रहा है ना, आज ये नहा कैसे रहा है, नहाया कैसे है, पक्का लगता है ये किसी चुड़ैल से मिलने जा रहा है, ठीक है, लिखो, पक्का ये किसी चुड़ैल से मिलने जा रहा है ना, लिखो भाई लिखो जल्दी लिखो, ओहो हो, बताओ कौन है वो चुड़ैल, लिखो भाई जल्दी लिखो, लिख लिए क्या, अरे भगवान, लिख लो फटाफट लिख लो, चलो मिटा देते हैं अब इसको, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आप लोग जो है वह यहां तक देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, पढ़ लिए होंगे, लिख लिया होगा, है ना, यस, चलो। जस्ट वेट करें, अगले टॉपिक पर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। देखो नेक्स्ट, देखो अब हम लोग आए हैं भैया क्या करने के लिए, वो देखो क्या करने के लिए आए हैं भाई, देखो देखो बच्चों, देखो 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 क्या किसी किसी चालक पर, किसी चालक पर आरोपित आरोपित, ठीक है, किसी चालक पर आरोपित आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग ने वाम हस्त का एक नियम प्रतिपादित किया, ठीक है, नियम प्रतिपादित किया, ठीक है बच्चों, एक नियम प्रतिपादित किया, क्या बोला भाई, क्या बोला वो देखो, ठीक है, फ्लेमिंग फ्लेमिंग के, ठीक है, वाम हस्त नियम अनुसार, ठीक है, नियम अनुसार, ठीक है, नियम अनुसार क्या पता चला भाई, देखना देखना समझना, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अनुसार,
ठीक है, अपने, ठीक है, अपने बाएं हाथ की अंगूठा, ठीक है, बाएं हाथ की अंगूठा कॉमा भाई तर्जनी, ठीक है, तर्जनी एवं मध्यमा उंगलियों को, ठीक है, उंगलियों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत रखें, ठीक है। इस स्थिति में ठीक है, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र ठीक है की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा उंगली ठीक है, विद्युत धारा की दिशा में हो तब अंगूठा ठीक है, विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है बच्चों, समझ आई बात, व्यक्त करता है। ओके चलो भाई, चलो ये देखो तुम्हारा, ठीक है ना भाई, बायां हाथ बना लो, ठीक है ना बच्चों, एकदम अच्छा खासा है, क्या करना, बायां हाथ बना लेना अपना, ठीक है, एक भाई बायां हाथ बना लेना तुम, ठीक है ना, तुम्हारे हाथ की जो है वह उंगलियां कैसे होनी चाहिए भाई, बाएं हाथ की होनी चाहिए, ठीक है, एकदम भाई तुम्हारे जो उंगलियां हैं वो कैसे होनी चाहिए, बाएं हाथ की होनी चाहिए, ठीक है, एकदम बाएं हाथ की उंगलियां होनी चाहिए भाई, ठीक है, और बाद वहां की उंगलियों को तुम क्या कर लो, मोड़ लो भाई, ठीक है ना, ये तुम्हारा हाथ हो गया समझ लो, ठीक है ना, लग नहीं रहा हाथ भाई, लेकिन तुमको हाथ अपना बना लेना है अच्छे तरीके से, ये तुम्हारा क्या है, अंगूठा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है भाई, तर्जनी उंगली है, ठीक है ना, कैसा है ये, तर्जनी, और ये क्या है भाई, मध्यमा, ठीक है, ओके समझ आई क्या बात, ये तुमको, ठीक है, फ्लेमिंग के ठीक है, वाम हस्त का नियम, इस नियम से क्या पता लगाए थे आप, देखिएगा, बायां हाथ भाई यही है ना तुम्हारा, कुछ लोग का बायां हाथ ये हो सकता है, तो भगवान ने आपको अच्छा वाला बायां हाथ दिया है, ठीक है, हम सबका ये वाला है, ओके, तो इस बायां हाथ को लीजिए, इसमें अंगूठा भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा उंगली, तर्जनी, और इसको मध्यमा उंगली बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये तीनों उंगली लीजिए और एक दूसरे के परस्पर लंबवत कर दीजिए, ये वाई एक्सिस में, ये हमारा एक्स एक्सिस में, और ये जेड एक्सिस में, ठीक है, तब बच्चों आपका जो ये तर्जनी उंगली है वो किसको व्यक्त करना चाहिए, ये तर्जनी उंगली किसको व्यक्त करना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, जिसको व्यक्त करना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र को, किस दिशा में होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में, और ये बच्चों मध्यमा, ये किस में जाना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा में, किस दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में, बोलो हाँ या ना,
तब जो आपका अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। चालक पर बल, किस पर बल? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। समझ आई क्या बात? ये देख लो भाई, यदि चुंबकीय क्षेत्र में ये चला गया, ये वाला हमारा धारा में चला गया, तो ये चालक पर लगने वाले बल को व्यक्त करेगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात? हाँ, यदि चालक पर कायरत विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, तभी ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना, वरना मत लगाना, रहने देना, मत लगाना, सलाह दे रहा हूं। ठीक है ना भाई, ये तभी है जब, ठीक है ना, जब जब आई एवं बी एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो, लंबवत कार्यरत हो, तभी ये बाएं हाथ का नियम लगाना, वरना मत लगाना। समझ आ गई बात? हाँ भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या ये आपका हथेली है, सर क्या ये सर आपका हथेली है? तो हम कहा भाई, हथेली तुम अच्छे से बना लेना, ठीक है ना, ये तुम्हारा एक बाएं हाथ है भाई, ठीक है ना, तुम्हारा हाथ देख लो तुम अच्छे से बनाना भाई, ये बाएं हाथ है हमारा, ठीक है ना, ये भाई मैंने उंगलियों को क्या कर लिया, मोर लिया, ठीक है ना, तो भाई तुम अच्छे से बना लेना, ठीक है ना, समझ आएगा बात? बस समझने से तरीका भाई, हमें फिगर बनाने नहीं आती है, आई एक्सेप्ट मेरा या फिगर कितना गंदा है, समझ गया, ठीक है ना। चलो, तो क्या आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया? बोलो, क्या आपको चालक पर लगने वाले बल समझ में आ गए? बोलो बच्चों, यदि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र साउथ पोल यहां था, नॉर्थ पोल यहां था, बोलो समझ आई क्या बात? हाँ, इस तरीके से, तो भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा, मान लो वाई एक्सिस में हमारा चुंबक क्षेत्र हो गया भाई, ठीक है ना भाई, चालक में धारा, मान लो चालक को हमने ऐसे रख दिया और इस दिशा में धारा प्रवाह हो रहा है, बोलो हाँ या ना, तो भाई धारा हमारा हो गया इस दिशा में, बोलो भाई। भाई देखो, ये रखना है आपको चुंबक क्षेत्र में, रखना है ये, मैंने रख दिया चुंबक क्षेत्र ऊपर की ओर, बोलो हाँ या ना, तो धारा हम उधर दिखाना, देखो धारा गई इस दिशा में, देखो चुंबकीय क्षेत्र वाई एक्सिस में है हमारा, धारा किस दिशा में है, देख लो यहां पे धारा किस दिशा में है भाई, माइनस एक्स दिशा में, और यहां पे चुंबक क्षेत्र किस दिशा में है, वाई एक्सिस की दिशा में, बोलो, तो ये गई वाई एक्सिस, ये भाई ये अंगूठा किसको दर्शाता है, बल को, एफ बी आई, अरे ये वाला व्यक्त करता है एफ को अंगूठा, ये बी को और ये आई को, एफ बी आई, ठीक है ना, फर्स्ट बाबा आए, आए का मतलब आए भाई, तुम्हारे, देखो तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, दादाजी, पिताजी और तुम हो या नहीं हो, तो भाई इस तीनों में से सबसे पहले कौन आया इस धरती पर, पहले कौन आया, शर्माए गधा फोड़ देंगे, मजाक नहीं, ठीक है ना, देखो समझ आए, तुम्हारे परिवार में कौन कौन होते होंगे, दादाजी, दादी, पिताजी है ना, माताजी, तुम, तो ये तीनों पीढ़ी में से सबसे पहले कौन आया, बाबा जी, बाबा, दादा, ठीक है ना, तो फर्स्ट बाबा आए, ऊपर से नीचे भाई, भगवान से नीचे आए ना, देखो याद करने का मैं तुमको तरीका बता रहा हूं भाई, याद करने का तरीका बता रहा हूं, तुम्हारे पास तीन उंगली है, या तो ऊपर से नीचे आओ या फिर नीचे से ऊपर जाओ, तो तुम कैसे आओगे, ऊपर से, क्योंकि दादाजी कहां आएंगे, ऊपर से नीचे आए थे ना, हाँ कौन तो कह रहा सर हमारे दादाजी नीचे से ऊपर जाके फिर ऊपर से नीचे, मतलब फिर आए थे, ठीक है, ठीक है, ओके रहने दो, तुमसे नहीं होगा भाई, रहने दो। एफ बी आई, फर्स्ट बाबा, दादा मतलब दादा, कोई बाबा बोलते हैं हम लोग, बाबा ही बोलते हैं, तो फर्स्ट बाबा आए, आए का मतलब आई, एफ बी आई याद रहेगा, चालो भाई चालो, तो भाई यदि हमने अपने इस वाले से बी को दिखा दिया, इस वाले उंगली को देख लो भाई, इसके लंबवत है ना, ये माइनस एक्स में जा रहा है, तो अंगूठा को फैला के देखो, अंगूठा तुम्हारा फैल रहा है, देख लो ध्यान से, देख लो, देखो फैल रहा है, ये देखो, अरे वो नहीं मोड़ सकते, देख लो तो ये कहां जा रहा है, अंदर, दैट मीन्स बच्चों इस चालक पर बल किधर लाएगा, अंदर की ओर, मतलब कहे तो भाई अंदर की ओर, मतलब क्रॉस, इस पर बल लगेगा किधर की ओर, अंदर की ओर, इस कागज के तल के अंदर की ओर, दैट मीन्स ये अंदर विक्षिप्त हो जाएगा,
बोलो हाँ या ना। हाँ तो भाई तुम इस चित्र को ही बना लेना, चित्र नंबर दो ही बना लेना, ठीक है ये ले लो, ठीक है समझ आई क्या बात। हाँ भाई वाम हस्त का नियम तभी लगाना जब तुम्हारा आई एवं बी एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत कायरत हो। बोलो हाँ या ना, सब मजा आ गया। चलो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो और लिख लो अच्छे से, अच्छे से लिख लो भाई, लिख लो। क्या मैं यहां पे लिख दूं, तुम्हारा बच्चों जो यहां पर बी है वो कहां है, वाई एक्सिस में। बच्चों तुम्हारा यहां पर जो आय है वो किस दिशा में है, माइनस एक्स के दिशा में। तो जल्दी से बोलो तुम्हारे ऊपर में ये एफ एफ जो है इस चालक पर जिसमें धारा इस दिशा में जा रही थी, तो उस पर लगने वाला बल किस दिशा में है बच्चों, अंदर की ओर, ठीक है ना भाई। अंदर मतलब कह दो माइनस जेड एक्सिस में, माइनस जेड वाले में, ठीक है ना, माइनस जेड में। समझ आई क्या बात भाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो हम लोग ऐसे ले रहे हैं ना, तो माइनस जेड अंदर की ओर। समझ आई क्या बात, तो इस तरीके से तुम यहां नीचे लिख भी लेना, ठीक है ना, लिख लेना कोई दिक्कत। चलो आ जाओ, समझ आई क्या बात, चलो लिख लो भाई। तुम कह रहे हो कि सर इसको इसको बैटरी से कहां लगाया, लगा दो भाई, देखो तुम बैटरी से लगा दो, ये ले लो। तो धारा यहां से जाएगी क्योंकि प्लस वाला सिरा और माइनस वाला भी विभवांतर का बैटरी था, ठीक है, इधर से जाएगा, इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से जाएगा। बोलो है ना भाई, हमने इसमें कहा है कि धारा का दिशा बदल दोगे तो तुम्हारा लगने वाला बल भी बदल जाएगा। अब मान लो तुमने धारा का दिशा प्लस एक्स कर दिया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये तुम्हारा लगने वाला धारा का दिशा, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर गया और धारा हमारा आगे गया। मान लो इसकी ध्रुवता बदल दिए हम भाई, इसको प्लस कर दी, तो धारा अब आगे की ओर जाएगा भाई। अगर तुमने इसको प्लस कर दिया, देखना तुम, अगर तुमने इसको प्लस कर दिया, ठीक है, और इसको तुमने माइनस कर दिया और इसको तुमने इससे जोड़ दिया, ये देखो भाई तुमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो धारा इधर से जाएगा, इधर से गया, अब इधर से प्रवाह होगा, इधर से प्रवाह होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो देखना देखना भाई, इसको भी फिगर में दिखा लेना, ठीक है, दिखा लेना तुम। तो भाई अब तुम्हारा चुंबक से ऊपर गया, धारा गया आगे की ओर, तो लगने वाला बल देखो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर। बोलो तो भाई तब इस स्थिति में चुंबक क्षेत्र इस पर क्या लगेगा भाई, इस वाले के लिए चुंबक क्षेत्र किधर लाएगा, बाहर की ओर, मतलब डॉट से दिखा देना, किधर लाएगा, बाहर। भाई तुम्हारा जो लगने वाला फोर्स है वो किधर है, बाहर। बोलो धारा इस स्थिति में किधर जाएगा, ये लाल वाले के लिए धारा किधर जा रहा है, लाल वाले के लिए धारा आगे। बोलो आया ना प्लस एक्स में, बोलो आया नहीं है भाई, तुम्हारा फिगर गंदा लग रहा है क्या देखने में, नहीं ना, सब समझ में आ रही है ना तुमको, तो ऐसा नखरे क्यों दिखा रहे हो, नखरा क्यों दिखा रहे हो, कि चल कुछ ना आया, चल जी कुछ ना आया, ठीक है चलो आगे बढ़ो। मिटा दिया जाए क्या इसे, सब कुछ समझा दिया मैंने तुम्हें, अब अगले टॉपिक में मुझे पहुंचना है। बोलो मिटा दूं क्या मैं इसे, चलो मिटा देते हैं। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।